वेबसाइट खोलना, फिर साइन अप पे क्लिक करना और फिर अकाउंट बनाना, ये किसको नहीं आता। ये बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। पर फाइवर पर जो लोग फंस जाते हैं वो है प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखना, अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन लिखना हर किसी को नहीं आता। साफ ज़ाहिर है, वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है, फिर जाकर उसकी प्रोफाइल अच्छी बनती है। पर कैसा हो कि शुरू में ही आपका डिस्क्रिप्शन बहुत प्यारा हो और डिस्क्रिप्शन आपको ना लिखना पड़े, कोई शख्स या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दे। तो चलिए जनाब, आज हम सीखते हैं विद इन 5 to 6 मिनट्स के हम फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, और साथ में उस टूल के बारे में भी जो आपका फाइवर के ऊपर डिस्क्रिप्शन बनाकर देगा। ऑटोमेटिकली आप क्लिक करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देगा, आपने सिर्फ कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में पेस्ट करना है। सिंपली आप लोगों ने fiverr.com खोलना है और बिकम ए सेलर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ एक बटन आ जाएगा आप लोगों का जब आप बिकम ए सेलर पे क्लिक करेंगे। जी तो जनाब, मैंने यहाँ ऑलरेडी ही बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जी। यहाँ ऑलरेडी मैंने 10 ट्यूटोरियल्स और एक फेक सी प्रोफाइल अपलोड कर दी है। आप लोगों ने क्या करना है जी, फेक प्रोफाइल अपलोड नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने हर चीज़ रियल अपलोड करनी है। आप अपना नाम लिखना है, पूरा असल नाम लिखना है, या फोटो भी आप लोगों ने अपनी जेन्युइन ही डालनी है, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ आगे डिस्क्रिप्शन की बारी। मान लीजिए मैं जो एक अकाउंट बना रहा हूँ जनाब, वो मैं डेवलपर का बना रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपर का, या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का, जिसका भी, तो आपने वो वाले कीवर्ड डालने होते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। मान लें ये टूल है हमारा writer.me, इसको लाजमी यूज कर लेना। ये जो टूल है आप लोगों का, यही ही आपको आपका डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। जैसे आप इसको विजिट करेंगे, आपने सिंपली स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ आप लोगों ने अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर देना है। मैंने जनाब अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर लिया है और स्टार्ट राइटिंग पे जनाब क्लिक करते हैं। और यहाँ पूछ रहा है किस जबान में हो, यस ऑफ कोर्स अंग्रेजी में, और कन्विंसिंग में केस क्या है, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं जी। आपने सिंपली यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं, कवर लेटर पे क्लिक करना है, ठीक है। कवर लेटर के ऊपर पूछ रहा है आपका जॉब कौन सा है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जनाब वेबसाइट और डेवलपर हूँ मैं, और स्किल्स कौन कौन सी हैं, लाइक मैं जनाब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वर्डप्रेस में मैं काम कर लूँगा और PHP में मैं काम कर लूँगा, या चंद एक और चीज़ें लैरवेल वगैरह में भी, ठीक है, या बल्कि बूटस्ट्रैप कर लेते हैं, एडवांस नहीं लिखते अभी, बूटस्ट्रैप मान लो, जो जिसकी स्किल्स उसको पता है कि उसको किस तरह के काम आते हैं। आपने सिंपली अपना ऊपर ग्राफिक डिजाइनर, नीचे अडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह वगैरह चीज़ें लिख देनी आप लोगों ने। कह रहे कितने वेरियंट्स चाहिए, आई वॉन्ट 2 वेरियंट्स एंड राइट मी, और ये मुझे बड़े प्यारे से 2 डिस्क्रिप्शन लिख कर यहाँ पर दे देगा। सिंपली मैं उनको कॉपी करूंगा और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो उसमें छोटी मोटी चेंजिंग्स भी कर सकता हूँ, तो सीन आसान हो गया ना यार। ये देखो जी, आई हैव बीन वर्किंग एज ए वेब डेवलपर फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज वगैरह 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 वगैरह। इसको कॉपी करते हैं जी हम जनाब, ये जी कॉपी करते हैं, चेंजिंग कर लेंगे इसके अंदर। ये यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर अपने मुताबिक चेंजिंग कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जी आई हैव बीन वर्किंग एज वेब डेवलपर बराबरा, मैं देख लेता हूँ अपने मुताबिक ही। जी जनाब, मैंने इस डिस्क्रिप्शन को बड़ा शॉर्ट करके 4 से 5 लाइन में अपने मुताबिक लिख लिया है। मतलब मैंने कुछ लाइनें यहाँ से कॉपी की हैं, कुछ लाइनें यहाँ से कॉपी की हैं, और इन दोनों को मिला के ही एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा मैंने लिख लिया। आप लोगों को भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन जो यहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको लिख लिखा आइडिया तो मिल गया, छोटी मोटी बस जरा सी कॉपी पेस्टिंग करनी है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, और बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आप नेक्स्ट जाना है, लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं वो लिख, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ इंग्लिश में मैं करूँगा, ऑफकोर्स फ्लुएंट आती है मुझे, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और ऐड करेंगे जी। और एज़ ऑन और लैंग्वेज भी आपको आती हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। ऑक्यूपेशन में लेट्स सपोज मैं डेवलपिंग में जा रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग एंड टेक, और अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन, और डिजिटल मार्केटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की फील्ड में मैंने क्लिक करना है। लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग एंड टेक वाला हूँ, और मैं जनाब क्या कर सकता हूँ जनाब, हम इसमें से चंद एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज जी मैं वेब प्रोग्रामिंग कर लूँगा, वेबसाइट बिल्डर्स और CMS एंड वर्डप्रेस, अभी फिलहाल ये टिक कर लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी आप जो भी टिक करें जी। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है। मैं ऐड करता हूँ वर्डप्रेस, और मुझे वर्डप्रेस का कितने साल का एक्सपीरियंस है, सिंपली मैंने वो ऐड करना होगा, आई एम एन एक्सपर्ट एंड ऐड। और एज सोन ऐसे ही आपने भी ऐड करनी है इसके अंदर चीज़ें, वर्डप्रेस हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, मतलब आपको बेहतर पता है कि आपने क्या सीखा हुआ है,
वो चीज़ें आपने ऐड करनी है और उनका आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करना है। एजुकेशन आप अपनी ऐड कर सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी की है, नहीं भी करेंगे तो लाजमी नहीं है, बट कर दें अच्छी बात है। फाइवर को चीज़ पसंद है कि आप उनको तमाम डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करें। सर्टिफिकेशन अगर कहीं से नहीं है तो ना दें, वेबसाइट नहीं है तो ना दें, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपली उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओह सॉरी, ये जो मैंने स्किल्स की हुई है उसने पूछा हुआ है कि स्किल्स कब से सीखी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जनाब आई एम लर्निंग इट फ्रॉम 2012 एंड एज सो, मतलब इतने अरसे से इसमें काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी, और कह रहा है फाइवर कनेक्ट करें, फिलहाल ढूंढा, बस इन सबको कनेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करना है। आपने तमाम चीज़ों को अपने अकाउंट से कनेक्ट करना है और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी है जी फाइवर पे अकाउंट बनाने की। मजीद इसके ऊपर गिग्स कैसे बनाएंगे वो देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक मिलते हैं जी इंशाल्लाह, और ख्याल रखिएगा अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।